अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसु टीवी की तरफ से एक बार फिर आपको वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि हमने अपनी गूगल एडसेंस के हवाले से एक वीडियो की सीरीज शुरू की हुई है, जिसके अंदर हम आपको ये बता रहे हैं कि गूगल एडसेंस रीजन वाइज किस तरह से आपको आपके ब्लॉग के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर कितने व्यूज के ऊपर कितने पैसे देता है और कौन सी कैटेगरी में कितने पैसे देता है। तो ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे बहुत सारे दोस्तों को इससे आगाही नहीं है। तो हमने इस चीज को जहन में रखते हुए कि जो हमारे न्यू दोस्त हैं जो ब्लॉग पे काम करने जा रहे हैं या वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो उन दोस्तों के लिए ये है, या बहुत सारे दोस्त हैं कि जो कहते हैं जी हमें व्यूज नहीं आते और अगर व्यूज आते हैं तो पैसे बहुत कम मिलते हैं, तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि गूगल एडसेंस रीजन वाइज किस कैटेगरी में कितने पैसे देता है। जब तक आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि आप उस तरह से अच्छी अर्निंग नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए दोस्तों, हमारी जो पहली वीडियो है उसका भी मैं लिंक आपको इसमें शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में उसमें हमने जो एशिया और पैसिफिक कंट्रीज के हवाले से जितनी कैटेगरीज आ रही थी गूगल एडसेंस की और उसमें वो कितने पैसे दे रहे थे, वो हमने तफसील के साथ उस वीडियो में आपको बताया था। इसी तरह से अब हम दूसरी जो इसका रीजन है, जिसमें यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका, ये जो इसके जो कंट्रीज हैं इसके अंदर जितनी भी इसकी कैटेगरीज हैं उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि वो कितने पैसे जो हैं वो दे रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए और आपकी रेफरेंस के लिए कि जी ये जो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ये कोई हवाई बात नहीं है, ये बिल्कुल रेफरेंस के साथ है। ये गूगल एडसेंस की अपनी जो है वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर ये सिलेक्ट रीजन अगर आप करेंगे, एशियन पैसिफिक के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और यूरोप और मिडल ईस्ट के ऊपर हम आपको अब बनाने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। इसको अगर आप सिलेक्ट करें और यहाँ सिलेक्ट कैटेगरी है आर्ट्स एंटरटेनमेंट, ये मिसाल के तौर पर पहली कैटेगरी आपको बता रहा हूँ, हम इसको तफसील से भी आगे नेक्स्ट कैटेगरीज को देखेंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ ये खुद बता रहे हैं कि जी मंथली पेज व्यू 50,000 के ऊपर जो है जो पोटेंशियल एनुअल रेवेन्यू जनरेट होता है इनकी तरफ से एस्टिमेटेड जो बता रहे हैं वो US$2,172 है। ठीक है ना, तो इसको आप इंडियन रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तानी रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उसके अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप इसको 12 मंथ पे डिवाइड करके पर मंथ इसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये वो एक रेफरेंस बेस्ड और रिसर्च बेस्ड वीडियो है जो कि बहुत कम लोग हमारे दोस्त इस तरह से मेहनत करते हैं, क्योंकि ये एक मेहनत वाला काम होता है और रिसर्च बेस्ड काम होता है। तो बस हम लोगों ने ये आपके लिए कोशिश शुरू की है कि आप दोस्तों को इस रेफरेंस के साथ और कैटेगरीज वाइज आपको थोड़ी हम अवेयरनेस दें और आपको बताएं कि अगर आप नेक्स्ट अपने ब्लॉग के ऊपर जा रहे हैं या वेबसाइट पर जा रहे हैं काम करने के लिए या कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे। तो इसी तरह से जैसे अगर आप ये देखें कि ये एक कैटेगरी जो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट वाली है उसके अंदर 2,172 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और इस तरह से अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो आपको जनाब, ये हम इसको थोड़ा ये दूसरी कैटेगरी है ऑटो एंड व्हीकल्स की, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके ऊपर भी रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। US$3,336 है, जो कि ये दोस्तों एनुअल पोटेंशियल रेवेन्यू बता रहे हैं। अगर आप इसको मंथ वाइज भी देखना चाहें तो आप इसको डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये अभी हम यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के रीजन की बात कर रहे हैं। अगर आप हमारे एशिया और जो बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो एशिया और पैसिफिक कंट्रीज से उनका ज़्यादा ताल्लुक है, तो आप उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। उसका मैं लिंक जो है वीडियो के एंड पर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, आप उसमें जाके उसमें भी हम इस तरह से तफसील, बल्कि उसमें हमने आपको एक लिस्ट भी बना दी है जिसमें आप लिस्ट वाइज जो है उसका कंपेरिजन भी देख सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट कैटेगरी पे हम चलते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो ब्यूटी और फिटनेस की है। ब्यूटी और फिटनेस के अंदर आप देखेंगे तो
आपको नजर आएगा कि 4,152 का पोटेंशियल रेवेन्यू पर ईयर का आ रहा है। तो ये एक अच्छा रेवेन्यू है जिसकी इस कैटेगरी में आप अगर फैशन से रिलेटेड ब्लॉग है या ब्यूटी एंड टिप्स से रिलेटेड आपका ब्लॉग है या वेबसाइट है तो आप इसके अंदर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इस कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है उसको हम देख लेते हैं जी। बुक्स एंड लिटरेचर की नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, इसमें 1,590, ये कम है जी, 1,590 का फिगर आ रहा है। तो इसमें क्योंकि इसलिए कम है क्योंकि बुक्स और लिटरेचर का काम है तो इसमें लोग जरा कम व्यू करते हैं और इसमें इसलिए मुझे लगता है कि पैसे कम है। तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं जी, बिजनेस इंडस्ट्रियल को देख लेते हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल में जनाब 4,950, ये भी अच्छे मुनासिब पैसे हैं जी एनुअल रेवेन्यू के हवाले से। और जो दोस्त बिजनेस और इंडस्ट्रियल के हवाले से अपना ब्लॉग मेंटेन कर रहे हैं या वेबसाइट मेंटेन कर रहे हैं तो वो भी इसको अच्छे तरीके से अपनी कैटेगरी को देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की आ रही है। इस कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छा रेवेन्यू आ रहा है जी, 4,584 पर एनम US डॉलर आ रहा है जी। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास दोस्तों जो आ रही है वो फाइनेंस की आ रही है। इसमें मैं आपको एडवांस बता दूं कि इसमें अच्छे पैसे होंगे क्योंकि ये हाँ देखा 11,682 पर एनम US डॉलर का फिगर आ रहा है। दोस्तों ये इसलिए बहुत अच्छी कैटेगरी है कि जितने भी बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज और बिटकॉइन कंपनीज से रिलेटेड जितने भी फाइनेंस के मैटर्स हैं या फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके अंदर ये अच्छा रेवेन्यू गूगल एडसेंस देता है और कंपनीज देती हैं इसलिए इसके अंदर ये बहुत अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। फाइनेंस के बाद नेक्स्ट कैटेगरी फूड एंड ड्रिंक्स की है जी, उसमें भी देख लेते हैं 2,988 US डॉलर। अच्छा दोस्तों ये यहाँ पे जो बता रहे हैं कि ये अगर आपके मंथली 50,000 व्यूज होंगे तो तब ये कैटेगरी की जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने चीज जहन में रखनी है अपने। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास आ रही है दोस्तों वो हमारे पास गेम्स की आ रही है। गेम्स में मुझे लगता है कि अच्छे पैसे होंगे, 2,412 इसमें इतने अच्छे नहीं है, मुनासिब है। तो ये भी जो हमारे यंग यंगस्टर्स हैं जो गेम्स के ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि इस कैटेगरी में ये पैसे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में हम चलते हैं जी, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास हेल्थ की है। हेल्थ के अंदर जनाब 3,204 US डॉलर पर एनम का रेवेन्यू दिखा रहा है, ये भी मुनासिब पैसे हैं, अच्छे हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास हॉबीज की है। हॉबीज के अंदर हम देख लेते हैं जी 3,222 US डॉलर पर एनम, ये भी अच्छे मुनासिब रेवेन्यू दिखा रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी हम देख लेते हैं जी होम एंड गार्डन की है जी। होम एंड गार्डन में 6,000 बहुत अच्छे पैसे हैं जी, 6,468 US डॉलर बहुत अच्छे पैसे हैं इस कैटेगरी में। जो दोस्त काम करना चाहें जो इंटरेस्ट रखते हो ये अच्छी कैटेगरी है और इसके अंदर आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर आप इसके ऊपर ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट कैटेगरी में जनाब हमारे पास आ रही है इंटरनेट और टेलीकॉम, इसको देख लेते हैं। इंटरनेट टेलीकॉम के अंदर भी बहुत अच्छे पैसे हैं, 5,274 US डॉलर पर एनम। तो ये इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है, कैटेगरी भी बहुत अच्छी है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं फर्दर अपनी अर्निंग के हवाले से या काम करने के हवाले से। जॉब एंड एजुकेशन को देख लेते हैं जी, इसमें मुनासिब है 2,928 US डॉलर। जॉब और एजुकेशन में ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में भी काम कर रहे होते हैं तो ये मुनासिब पैसे, इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। और इसके बाद ये नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे पास
वो लॉ एंड गवर्नमेंट की है। इसके अंदर देखते हैं जी, 3228, ये भी अच्छे पैसे हैं जी इसके अंदर। इसमें भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों। ये एक ओवरव्यू आपको इसलिए दे रहे हैं कि जो आप साथी हैं, दोस्त हैं, जिस भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं, ये न्यूज कैटेगरी है, इसमें 1200 हैं, कम पैसे हैं क्योंकि इसमें ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और इसमें जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और न्यूज के बाद जी नेक्स्ट कैटेगरी हम देख लेते हैं जी, ऑनलाइन कम्युनिटीज की। ऑनलाइन कम्युनिटीज में भी 3510 US डॉलर हैं, ये भी अच्छी कैटेगरी है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास दोस्तों जो आ रही है पीपल एंड सोसाइटी की है, 1956। इसके अंदर भी मुनासिब, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट कैटेगरी को देख लेते हैं। पेट्स एंड एनिमल की कैटेगरी है जी, 2982 आ रहा है जी इसके अंदर, पेट्स एंड एनिमल के अंदर। तो ये भी मुनासिब रेवेन्यू दिखा रहा है पेट्स एंड एनिमल के हवाले से। जो दोस्त पेट्स एंड एनिमल में दिलचस्पी रखते हैं वो इसमें अच्छा रेवेन्यू कमाते हैं। रियल स्टेट को देख लेते हैं जी, रियल स्टेट भी एक अच्छी कैटेगरी है, 3114 मुनासिब पैसे हैं, अच्छे पैसे हैं। इसको भी आप अपना कंसीडर कर सकते हैं फर्दर अपनी ब्लॉग और वेबसाइट के लिए। रेफरेंस एक कैटेगरी आ रही है जी, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये एक नई कैटेगरी है 3012। तो इसको अगर आप कहते हैं तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये इस कैटेगरी में ये क्या है, रेफरेंस कीवर्ड क्या है। तो गूगल से पूछ लेते हैं जी, व्हाट इज रेफरेंस कीवर्ड, तो हमें जरा आइडिया हो जाएगा क्योंकि ये नया वर्ड है। तो द कीवर्ड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ रेफरेंस इज यूज्ड फॉर, तो रेफरेंस है कि ये कुछ और ही चीजें दिखा रहे हैं। हम इसको सिंपली लिख के चेक कर लेते हैं कि ये क्या हमें बताता है, या इसकी और भी होता है कि आप इसको गूगल एडसेंस के ऊपर जाके इसकी आप सर्चिंग चेक कर सकते हैं कि जी रेफरेंस कीवर्ड क्या है। तो इधर ये कुछ और चीजें खोल रहे हैं, तो हम अभी चक्कर में नहीं पड़ते, हम नेक्स्ट चलते हैं अगली कैटेगरी पे जी, रेफरेंस केबल। लेकिन ये नया कीवर्ड है, इसको आपको जरूर आप इसमें अपनी तरफ से भी कीजिएगा क्योंकि हम तो आपको थोड़ा आइडिया भी देते हैं, तो आप लोग भी खुद भी थोड़ा सा इसको चेक कीजिएगा कि ये रेफरेंस में अच्छे पैसे थे तो ये क्या है, तो इसको मजीद देख लीजिएगा। साइंस की कैटेगरी में देखते हैं जी कितने पैसे हैं, 2286 हैं, मुनासिब पैसे हैं इसके अंदर भी। साइंस की कैटेगरी में जो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बाकी जो साइंस से मुतल्लिक चीज़ें हैं उसमें अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो इसमें काम कर सकते हैं। शॉपिंग की कैटेगरी है, बहुत मशहूर कैटेगरी है, 4000 बहुत अच्छे पैसे हैं, 4626 शॉपिंग की कैटेगरी में, आप इसमें ज़रूर काम करें, बहुत अच्छे पैसे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी हम देख लेते हैं जी, शॉपिंग के साथ नेक्स्ट है जी स्पोर्ट्स, इसमें भी अच्छे पैसे होने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन ये 1566 दिखा रहे हैं, शायद इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा तो इस वजह से इसमें पैसे, या इस रीजन में शायद रीजन का भी फर्क हो सकता है। हम एक वीडियो कंपैरिजन वीडियो भी बनाएंगे तमाम रीजन वाइज, वो भी इंशाल्लाह हम इसके बाद जब हमारी ये कैटेगरी फाइनल हो जाएंगी। 4 रीजन, ये बेसिकली 4 रीजन्स हैं यहाँ पे, अगर आप देखें एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज है, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। तो ये जब चारों की हम बना लेंगे तो अब आपको चारों का एक कंपैरिजन वीडियो भी हम बना के देंगे, बकायदा वो एक एक्सेल की शीट होगी जिसके अंदर सारी कैटेगरी के आगे उसके रेवेन्यू के हिसाब से नंबर आ रहा होगा और आगे उसकी हाईएस्ट जो कैटेगरी के रेवेन्यू होगा उसको हम हाईलाइट करके वो एक वीडियो कंपैरिजन वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आप दोस्तों का इस तरह से हमारे साथ अगर तामुन रहेगा, हमें आप इसी तरह से हमारी वीडियोस को आगे शेयर करते रहेंगे, हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह
हमें इंकरेजमेंट मिलेगी और हम आगे इसी तरह से आपके लिए ये रिसर्च बेस्ड वीडियोस इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। ये आखिरी कैटेगरी है जी ट्रेवल की, इसको देख लेते हैं 4878। तो दोस्तों इसी के साथ आपको आज की जो हमारी वीडियो है उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी कि थोड़ा हम रूटीन से हटके चीज़ें बनाते हैं, हट के इसलिए बनाते हैं कि रिसर्च बेस्ड हमारी चीज़ें होती हैं और हम चाहते हैं कि हम एक्चुअली में हकीकत में कुछ इस तरह का काम करके दें दोस्तों को जो कि उनको फ़ायदा हो, ना कि हम लोगों को जो है हवाई बातें करें और जो आजकल मखसूस काम हो रहा है कि जी इस ऐप के ऊपर आ जाएं और इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और जनाब डेली इतने कमा लेंगे और फिर इतना रेफरेंस दें। तो हम उस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं वो उनको प्रैक्टिकल बुनियादों के ऊपर फ़ायदा होना चाहिए और उम्मीद है जो लोग जो दोस्त हमारे इस चीज को समझते हैं उसको जरूर अप्रिशिएट करेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे, हमारी वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।